गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर थ्री फाइबर्स टू फैब्रिक नाउ वी हैव स्टार्ट फाइबर्स फाइबर्स आर थिन स्टैंड दैट आर स्पैन टुगेदर टू मेक यार्न और थ्रेड यार्न अवेन टुगेदर टू मेक फैब्रिक फाइबर्स क्या है एक थिन स्टैंड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है पतला सा धागा सिंगल जब वो आपस में अटैच होते हैं टू या टू से ज़्यादा तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम यान बोलते हैं या थ्रेड बोलते हैं अब थ्रेड को टेक्निकली तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पे जब इनको लाया जाता है तो इससे क्या बनता है फैब्रिक फाइबर्स टू टाइप में डिवाइड होते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक नेचुरल क्या है ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स जो प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं प्लांट्स में हम कॉटन और जूट को ले लेते हैं एनिमल में सिल्क इनको फाइब फाइबर्स सेकेंड uh, टाइप का फाइबर सिंथेटिक जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर इसमें आ जाता है फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बीन यूजिंग केमिकल ये ह्यूमन बीन के थ्रू बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है एग्जांपल पॉली फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स अब प्लांट्स से हमने पहले ही देखा हुआ है टू पॉइंट्स से हमें प्लांट्स से मिलते हैं कॉटन एंड जूट अब कॉटन से कैसे हम फैब फैबर्स को कलेक्ट करते हैं इसको हम देखेंगे पहले देखिए जो कॉटन होता है वो ब्लैक सॉइल में डेवलप होता है क्योंकि वहाँ का एरिया वाम होता है गर्म होता है और वहाँ बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है अब क्रीमी वाइट फ्लावर इनके अंदर से डेवलप होते हैं फॉल ऑफ वैंड ड्राई लीव बिहाइंड ग्रीन पॉन्ट्स कॉल कॉटन बॉल अब ये क्या होता है कि जो इनकी फ्लावर्स जो होते हैं वो मैंने आपको बताया वाइट क्रीमी वाइट कलर के होते हैं और जब ये मैचोर होने लगते हैं तो इनकी जो लीव जो होती है ग्रीन पॉट्स से, से अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल इनकी लीव से वैन फ्रूट रैप दिस cotton बॉल ड्राई एंड ब्रस्ट ओपन कह रहे हैं जब ये फ्रूट पक जाते हैं रिप का मतलब पक जाते हैं तो इनकी कॉटन बॉल जो होती है वो ड्राई हो जाती है और ब्लास्ट हो जाती है खुल जाती है एक्सप्लोजिंग द वाइट फाइबर्स यहीं से वाइट फाइबर्स निकलने लगते हैं कॉटन फाइबर्स इज सेपरेटेड फ्रॉम सीड हम क्या करते हैं सीड को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं और कॉटन फाइबर्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग और ये हम पहले पुराने टाइम में हैंड से करते थे लेकिन अब टेक्निकली तरीके से हम इसे मशीन से करते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है कॉटन की तो इस इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉटन गेंस इसके बाद क्या हो रहा है कि कॉटन फाइबर्स इज वैलेड इनटू द कंपैन बंडल <coughs> अब हम इनके बंडल बना लेते हैं एज बैल्स जिसे हम बैल्स कहते हैं टेक टू टेक्सिल मिल फिर हम इसे फैक्ट्री वगैरह में भेज देते हैं और यहाँ से ये यह यान में कन्वर्ट हो जाते हैं और यान के बाद इनके अंदर हम कई केमिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं कई मैथड इन पर अप्लाई करते हैं जिसके बाद हमें ये फैब्रिक के फॉर्म में मिलते हैं यूज़ ऑफ कॉटन सीड टू मेक कॉटन सीड ऑइल और जो कॉटन की सीड होती है उससे हम क्या बनाते हैं ऑयल जो हम यूज़ करते हैं तो कॉटन की जो कॉटन बॉल थी या सीट थी उसको भी हमने यूज़ कर लिया और जो उससे वाइट फाइबर्स मिले उसको हमने फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ कर लिया नेक्स्ट आता है हमारा जूट ऑप्टेन फ्रॉम द स्टैंप ऑफ जूट प्लांट्स ये जो जूट के प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टम्प होता है उससे हम इसमें से फाइबर्स को कलेक्ट करते हैं चीपेस्ट है सस्ता है लॉन्ग है सॉफ्ट होता है शाइनी नेचुरल तरीके से बहुत ज़्यादा शाइन करता है ये फाइबर्स यूज फॉर मेकिंग गनी स्टैक्स मैट रोब्स कारपेट शॉपिंग बैग एक्सेट्रा इससे हम क्या बनाते हैं चटाइयाँ बनाते हैं मैट रोब्स का मतलब होता है रस्सियाँ बनाते हैं कारपेट का मतलब होता है देखा होगा अपने घर में छोटे छोटे जो लगे हुए होते हैं शॉपिंग बैग भी हम इनसे बनाते हैं अब कल्टिवेटेड मेनली इन वेस्ट बंगाल बिहार एंड असम हम जनरली इसको कलेक्ट कहाँ से करते हैं वेस्ट बंगाल बिहार और असम से और ये कहाँ पे डेवलप होते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले इन्वायरमेंट में डेवलप इन ह्यूमिडिटी क्लाइमेट में डेवलप होते हैं और ये क्लेट सॉइल के अंदर डेवलप होते हैं या मतलब इनको डेवलप करने के लिए क्लेश सॉइल की नीड होती है और ह्यूमिडिटी क्लाइमेट चाहिए होता है बांग्लादेश जो है इसका बहुत बड़ा एक्सप्लोटर है अब आते हैं हम इसके स्टेप पे हम इसे कलेक्ट कैसे करते हैं जूट प्लांट ग्रो अप टू द फीट इन हाइट ये टेन फिट हाइट पे डेवलप होते हैं यानी ये बहुत टेन फिट की हाइट लेते हैं इतने लंबे होते हैं और इनके अंदर जनरली फ्लावर्स वगैरह का हम यूज़ नहीं करते इनका स्टम्प भी हमारे लिए मेन होता है हार्वेस्टेड एट द स्टेज ऑफ फ्लावरिंग हम इसको छोड़ मतलब कट करते हैं जब इसकी फ्लावरिंग की स्टेज आती है हार्वेस्टेड का मतलब होता है कट करना कटाई करना जब हम इसे कट करते हैं इनकी फ्लावरिंग की स्टेज आती है तब जूट प्लांट स्टम्प बाय स्टिकी सब्सटेंस अब क्या हुआ इनके जो स्टम्प थे उनको हमने अलग कर लिया अब बंडल्स ऑफ जूट स्टेम्स आर इमर्ज इन द वाटर फॉर रॉड दिस प्रोसेस नोन एज ए रेटिंग अब हमने क्या किया स्टेम को तो कलेक्ट कर लिया जो स्टिकी थे सीधे सीधे थे छड़ी जैसे अब हमने इनके बंडल्स बनाए और हमने इनको वाटर में छोड़ दिया सड़ने के लिए रॉड मीन्स टू से सड़ना और इस प्रोसेस को हमने बोला रेटिंग फ़ाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टम्प बाई हैंड अब हमने क्या किया जब ये पूरी तरह सड़ गए तो हैंड की हेल्प से मतलब अपने हाथों की हेल्प से हमने इस इनके इस्टम्प को ब्रेक किया और इनके अंदर से क्या फ़ाइबर्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं जूट फाइबर्स आर देन वॉस्ड एंड अलाउ टू ड्राई अब इसके बाद जूट फाइबर्स जो होते हैं रेडी हो जाते हैं अब हम इन्हें क्या करते हैं ड्राई करने के लिए रख देते हैं तो ये प्रोसेस है हमारा जिससे हमने जूट से फाइबर्स को कलेक्ट किया और जैसे ही हमने फाइबर्स को कलेक्ट किया टू फाइबर जो होता है यान को बनाते हैं यान को हम क्या करते हैं इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं जिससे ये किस में कन्वर्ट होकर हमारे पास आते हैं फैब्रिक में तो नाउ टुडे ये कॉटन एंड जूट टॉपिक डन टुमारो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक थैंक यू सो मच